इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। चुनावी चकल्लस में हम आज चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है, सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करनी शुरू कर दी। एक तरह से कहें कि चुनावी मैदान में सभी दल अब खुल के आ गए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने को चौकीदार कह रहे हैं, दूसरी तरफ राफेल मुद्दे पे कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें चोर कहना शुरू किया है। अब देखना है चौकीदार बनाम चोर में जनता किसके साथ, चौकीदार के साथ जाती है या चोर के साथ जाती है, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा जो पहला सवाल है शुरुआती यही है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पहले और दूसरे चरण का मतदान 11 और 18 अप्रैल को है, उसके लिए नामांकन भी शुरू हो गया, सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या 2014 जैसा माहौल है या कुछ बदलेगा? नहीं, इस बार तो पूरे चांस है बदलने के, क्योंकि जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कोई गरीब किसानों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए, एक बात बताइए, एक पेंशन पाने वाला आदमी उसको 2500 रुपये पेंशन मिले क्या खाएगा, क्या पिएगा? किसी को 25,000 मिल रहे हैं, प्राइवेट में जो नौकरी करके रिटायरमेंट हुआ उसको क्या मिला? 2500 रुपये में क्या खाएगा वो? एक सरकारी है उसको 25,000, 30,000, 50,000 मिल रहे हैं, और एक प्राइवेट को 2500, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ये नहीं देख सकते? कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बहुत काम किया, आवास दी, उज्ज्वला योजना दिया, पेंशन दी, किसान कल्याण निधि योजना में वो 2000 किया, 5 साल में बहुत काम किया भाई। हाँ, सब का जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया इतना संभव नहीं था किसी दूसरी पार्टी को। जैसे आपने कहा कि मोदी जी बदलाव होगा, चूँकि चौकीदार बनाम चोर की शुरुआत हुई है, भाजपा ने मोदी ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है, चौकीदार नरेंद्र मोदी, तो कुल मिला के क्या कि जो 2019 का चुनाव है जिसकी शुरुआत हो गई है, जैसे आपने कहा बहुत कुछ किया है, आपने कहा कि बहुत चीजें, किसान, गरीब कल्याण, रोजगार, बेरोजगार, पेंशन, गरीबों के लिए तो कुछ नहीं किए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किए। एक किसान को क्या मिला? हम लोग किसान हैं, किसान के लिए हम लोग संतुष्ट हैं और वही आएंगे 2019 में। देखिए इसके लिए लगता है किसान को देख के लगता है गठबंधन वगैरह जो है ये भारी पड़ेगा किसान को देखते हुए, क्यों, हम लोग किसान के बच्चे हैं और गाँव में देखते हैं, जैसा इनका घोषणा था वैसा धरातल पे नहीं उतरा, हुआ ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, अच्छा काम हुआ पर धरातल में नहीं उतरा। आप सहमत हैं? आप सहमत हैं इनसे, इन लोगों से? अब हमारी बात आप सुनिए, चेंजिंग तो होना मस्त है, लेकिन जितनी मेजॉरिटी में बीजेपी थी उतनी मेजॉरिटी में नहीं रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की ही बनेगी, और बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमा दे सब काम हो जाए, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आएगी उसी तो, ये धरातल वाली बात पे क्यों आप कह रहे हैं धरातल पे नहीं है? है धरातल में दिखाई दे रहा है भैया, यही सिटियों तक है, गरीब किसान तक एक्चुअल में नहीं पहुंचा। मैं हम लोग गांव के रहने वाले इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ और लोग हैं, आप इन लोगों से सहमत हैं कि काम कुछ नहीं हुआ, बदलाव होगा, चेंजिंग होगा, किसान गरीब युवाओं के लिए नहीं हुआ और गठबंधन भारी होगा यूपी में? ज़्यादा भारी तो नहीं होगा लेकिन बदलाव जरूर होगा, और उन्होंने नौकरियां देने की जो वादा किया था, सारी नौकरियां कोर्ट में या पुलिस की हो या टीचर की हो, हम लोगों की सब नौकरियां कोर्ट में फंसी पड़ी हैं, एक भी नौकरी क्लियर नहीं किया, बोले थे 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी कुछ नहीं मिला है। अब इलेक्शन आने पे किसी को 500 रुपये बढ़ा रहे हैं, 5,000 किसी का, किसी को 500 बढ़ा रहे हैं, किसी कुछ बढ़ा रहे हैं, और इस बार DA 3% कर दिए हैं, इलेक्शन का माहौल है, थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो है एक और माहौल चल रहा था गुजरात वाला, गुजरात में इन्होंने अपने अब तोड़ मोड़ मटवा रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों को खरीद रहे हैं, ये वो सब कर रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन होगा नहीं, उतना पैसे जैसा माहौल नहीं होगा। जो घोषणा किए क्या वो मिला? हमारे अच्छे दिन आएंगे, उनके अच्छे दिन आ गए, गरीबों के अच्छे दिन। एक बहुत बड़ा था, आप दोनों पहली बार वोट करेंगे, सामने आइए, सब लोगों का कहना मिक्स रिएक्शन, कोई कहता है काम हुआ, धरातल पे हुआ, ग्राउंड पे हुआ, नहीं हुआ, बहुत बातें कहेंगे नहीं हुई, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था, आप पहली बार वोट करने जा रहे हो, अच्छे दिन आए, ये नारा था 2014 में, शायद याद होगा आपको कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए, जब मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले उन्होंने ये नारा दिया, जब वो जीत गए, आप मानते हो पहली बार वोट करने जा रहे हो, क्या रहा? आई थिंक मैं पहला वोट मैं भाजपा का ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वादे किए थे, बट कांग्रेस जितने वादे कर पाती तो वो शायद इतने भी नहीं कर पाती जितना भाजपा ने किया है अब तक, तो कुछ वादे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते, बट कुछ
किया, कुछ तो किया ना इंडिया में उन्होंने भाजपा ने। गुजरात में वो चार बार सीएम होके डेवलप किया था, पहली बार से कुछ उतना ज्यादा तो नहीं हो पाया, अभी भी रिलेशन बन गई। जैसे अटैक हुआ ना तब पूरा सब कंट्रीज हमको सपोर्ट दिया, ये मोदी सबसे रिलेशन बनाया था, अच्छा रिलेशन बनाया इसलिए इतना सपोर्ट दिया। अगर वो बनाया नहीं होता ना उतना बातों से सपोर्ट, तो मन से सपोर्ट तो नहीं आता ना, रिलेशन बना इसलिए तो सपोर्ट आया था। तो आप मानते हो कि जो डिप्लोमेसी थी यानी पूरे देश में दौरा, वो पूरे विदेश में जब गए लगभग उन्होंने सभी देशों का दौरा किया, उसका फायदा एयर स्ट्राइक के समय मिला जब पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ जैसा कि आपने कहा, तो क्या आप मानते हो लोग उस पर भी सवाल खड़ा करते थे कि प्रधानमंत्री केवल विदेश दौरे पे हैं, उनको देश से मतलब ही नहीं? नहीं, आई थिंक वो अपने देश के लिए ही कर रहे थे। वो लोगों की सोच होती है, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए उनको, कुछ लोग होते हैं कि करना चाहिए, बट मेरे मोटिव से तो ये है कि उन्होंने किया ओनली देश के लिए किया है, और वो आज भी कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए ही कर रहे हैं, तो मोदी बेस्ट है इंडिया के लिए। आपने बोला वो प्रधानमंत्री विदेश गए जिसका फ़ायदा मिला, सभी देशों ने पाकिस्तान को एक तरह से अलग थलग कर दिया, सब साथ आए। यंग वोटर जो है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आप कोई भी प्रोफेशनली कोर्स करते हो पढ़ते हो तो आपका एक मात्र लास्ट अल्टीमेटली टारगेट क्या होता है, आपको नौकरी मिले। नौकरी जैसा कि उन्होंने कहा कि पेंशन थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ी सी नौकरी थी वो कोर्ट में, गवर्नमेंट जो नौकरियाँ हैं वो सब कोर्ट में हैं, कुछ ऐसे जॉब क्रिएट नहीं हो पाए जो लोगों को यंगस्टर को मिले, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, मुद्दा होगा। हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है एक्चुअली। नहीं, आप मानते हो कि यंगस्टर को जॉब मिली? नहीं, वो मिला नहीं होगा, मगर मिलता है भरोसा तो करना है ना, एक बार देख के तो भरोसा ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि एक मौका प्रधानमंत्री को और मिलना चाहिए जिससे कि लोगों की जो डिमांड है, एस्पिरेंट्स हैं, जो जो चीज़ें लोगों की उम्मीद है, आशा है, वो पूरा हो। मैं पहले बोला ना गुजरात में वो एक बार में कुछ डेवलप नहीं हुआ था, चार बार किया था सीएम में तब डेवलप हुआ था पूरा, पहली बार में नहीं हुआ था। आईटी क्वालिफाइड है ना, तो हम लोग आईटी क्वालिफाइड है तो हमको तो हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे देश के लिए। तो हाँ, बेरोजगारी होती है, अगर पूरे देश में चले जाओ कहीं पर चले जाओ कुछ ना कुछ परसेंट लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, लेकिन बेरोजगारी मेरे हिसाब से मुद्दा है, बट अब वो उसके लिए कुछ करेंगे वो है, भरोसा है। आप जैसा कि इन्होंने बोला, इन दोनों ने गुजरात का हवाला दिया कि डेवलपमेंट हुआ, क्या मानते हैं कि इस बार बदलाव होगा? सपा और अखिलेश मायावती एक साथ है, कांग्रेस भी एक तरह से लगी हुई है कि बीजेपी यानी मोदी को रोका जाए, मोदी को चोर कहा गया, मोदी ने अपने को चौकीदार बताया। नहीं, ये जो बाकी बोल रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं समझे, और देश हित में हो रहा है। आदमी जब कोई भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट मतलब होता है उसको सुधारने में टाइम लगता है, तो इसमें सब वही मिले हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि मेरी जो भ्रष्टाचार दब जाए, और जो उजागर हुआ है मेरा भ्रष्टाचार वो मतलब ये मोदी जी के मतलब हम बोलते रहे और ये जो है उसी में हमारे दिमाग उलझाए रहे हैं ये लोग, इसीलिए मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, देश हित में कर रहे। आज तक पाकिस्तान पर किसी ने एयर अटैक नहीं किया था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था समझे, इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाया। जो बोलते हैं कि 56 इंच का सीना, वो तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी आपने देखा होगा, मैं भी देखा, मैं भी आर्मी से जो है एक सर्विस मैन हूँ, और इन्होंने जो किया है बहुत सराहनीय काम किया है, और अब की भी मौका होगा देखिएगा कि विकास तो बहुत ही होगा। और जो क्वालिफाइड जो बच्चे बोलते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिली है, अगर अपने आप को क्वालिफाइड होंगे तभी तो नौकरी मिलेगी, और मान लीजिए क्वालिफाइड नहीं हो बैठ गए, एमए बीए एमएससी कर लिए, आपको जनरल नॉलेज पता नहीं है तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? तो उन बच्चे को मिल रही है जो मतलब क्वालिफाइड है, जानकारी है उनको। अभी एक प्राइवेट कंपनी ने सर्वे किया था, एक बहुत बड़ी एजेंसी ने सर्वे किया स्किल्ड इंडिया के लिए, जॉब क्यों नहीं मिलते हैं, वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में जो यंगस्टर हैं जो तमाम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उनके अंदर वो एक ट्रेडिशनली कोर्स करके आते हैं, क्योंकि अब 21वीं शताब्दी है, नई टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, तो जिस बेस पे जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के बेस से, जो स्किल्ड होनी चाहिए, जो ट्रेडिंग होनी चाहिए, उस चीज़ की कमी है, जिससे कि यंगस्टर जो हैं भारत के जो युवा हैं जो तमाम IITN हैं, तमाम और कॉलेजों से पढ़ के आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर जॉब ना मिलने का रीज़न ये भी है। जैसा कि ये दोनों लोग यंगस्टर हैं आपके सामने खड़े, इन्होंने कहा जॉब के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, जैसे आपने कहा कि MSc है उसको जनरल नॉलेज नहीं पता है, उसको जो चीज़ें होनी चाहिए जितनी टैलेंट होनी चाहिए नहीं पता, इसलिए वो जॉब नहीं पाता।
नहीं तो ठीक है, तो अभी जो भी नहीं है तो अभी इनको मौका दिया जाए, ये करेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। और इसमें जो भी नेता है कुछ तो मतलब हो गए इसमें कुछ ऐसे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है ना बहुत ईमानदार है, कुछ नेता भी ईमानदार है, वो करेंगे जो भी IIT खोलना है, जो भी खोलना है, हॉस्पिटल जो भी खोलेंगे ये बिल्कुल करेंगे। इनका कहने देखिए, मैं भी गुजरात में मैं रहा 6 साल, मैं प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं वहाँ पर बैठा था, एक मेला लगता है हम लोग आर्मी का, मैं वहाँ बैठा था, उनको उस समय से मैं समझ गया था। और ये समझ लीजिए कि इस आदमी जो है प्रधानमंत्री जी जो है ये बहुत ही मतलब ईमानदार जिसको बोलते हैं, मैंने उनका घर भी देखा है साहब का, और ये सब कुछ करेंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए आप लोग। ये नहीं कि दूसरा बहकावे में आ गया राहुल जी है, अलग बोलना नहीं, हम तो ये सब पार्टी मान लीजिए राहुल जी हैं, उनको एक बात करने का तमीज़ है, एक बड़े बुजुर्ग को कैसे बात किया जाता है, रिस्पेक्ट से किया जाता है, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, चौकीदार चोर बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं भाई, मान लीजिए उन्हीं को बोला लेके बोलते हैं राफेल वाले को कि राफेल जहाज में उन्होंने चोरी किया, अनिल अंबानी को नहीं, नहीं ये गलत है, ये जो भी है जांच हो रही है करती है, वो तो एजेंसी जांच करती है, ये एक मुद्दा बनाते हैं कि पब्लिक को भटका दें हम, कि वोट जो है हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, ऐसी बात नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और उनको तो चाहिए तो खुश होना चाहिए कि राफेल आ रहा है, अपना हिंदुस्तान का शान आ रहा है, जो पाकिस्तान ये लोग हमारी नेता जो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जब बाकी जो भी हैं वो बोल रहे हैं तो पाकिस्तान को तो हिम्मत बढ़ रहा है, हमारी तरफ से बोल रहे हैं, मोदी कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सब तो उसी में मिले हैं। आप हमारे साथ कुछ और युवा हैं, आप युवा हो, जैसे 2 युवा वोटर हैं जो इन्होंने पहली बार वोट की, इन्होंने अपनी बात रखी, आपके हिसाब से क्या लगता है बदलाव होगा या गठबंधन भारी होगा या BJP दोबारा आएगी? UP में थोड़ा BJP के लिए मुश्किल है, क्योंकि दो बड़ी शक्तियाँ सपा और बसपा दोनों मिली हैं, जिनका वोट लगभग अगर देखा जाए तो अभी लगभग 42% के आसपास हो रहे हैं, लेकिन इनके गठबंधन से मैं समझता हूँ कि और भी सारे लोग जो भी अन्य पिछड़े लोग हैं, गांव में गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, वो भी साथ में आएंगे, बहुत सारे जो ST भाजपा को वोट दे दिए थे शायद वो भी साथ में आ रहे हैं। नहीं तो आप ये मानते नहीं क्या OBC के लिए पिछड़ों के लिए गांव में काम नहीं हुआ, जो OBC तो BJP के साथ था 2017 में 312 सीटें बीजेपी को मिली, लोगों को घर मिला है, शौचालय मिला है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है, बिल्कुल मिला है, लेकिन नौकरी का जो सवाल है हमारे देश में, अभी देखिए रिपोर्ट आई है कि 2 करोड़ नौकरियाँ लगभग जो है चली गई हैं, और इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल मिलेंगी, ठीक है, थोड़ा सा नौकरी की प्रॉब्लम। अभी देखिए रेलवे में वैकेंसी आई, मान लीजिए टेक्नीशियन के लिए हुआ, ग्रुप D के आई, उसमें क्या हुआ कि 100 नंबर का था, लोगों को उसमें किसी का 148 मिल गया है, 999 मिल गया, 777 मिल गया है, ऐसे 800 नंबर मिल गए 100 नंबर में, और जबकि इसमें हम लोगों ने धरना दिया, उसके बाद अप्लीकेशन दिया, तो सब लोगों ने कह दिया कि नहीं सही है, कोई इसमें गलती नहीं है, तो ऐसे कैसे होगा। SSC 2017 जो है अभी भी हम लोगों का उसमें कोई सुनवाई नहीं मिला, कि मुद्दा आपका है कि मतलब नौकरियां उस तरह से नहीं मिली जितनी उम्मीद, देश में अशांति है, देश में अशांति है, मानते हो? नहीं बिल्कुल नहीं सर, नहीं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं सर, नहीं पहले हमको देश की सुरक्षा चाहिए, अपना देश सुरक्षित हो जाए फिर सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। तो देश सुरक्षित है कि नहीं? नहीं सुरक्षित है, सही हाथों में आए। जो पिछली सरकार मतलब कांग्रेस पार्टी जो भी थी सरकार, जो हुरियत वाले थे गिलानी, उनको पैसे भेजते थे, वो अपना रोटी सेकते थे, उसके बाद जो है मतलब उनका आज देश आसान था। आप एक आर्मी मैन है, आप पूर्व सैनिक, उन्होंने कहा देश में अशांति नहीं, बिल्कुल मैं जो अशांति था उसको शांत मतलब ये था, मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, कोई अगर किसी राजनेता के खिलाफ अगर बोल दे रहा, किसी मंत्री के खिलाफ बोल दे रहा, मॉब लिंचिंग नहीं, नहीं ऐसा है, अशांति बिल्कुल नहीं है, शांति चल रहा है। जो ऐसे रोटी सेक रहे थे हुरियत वाले, जिनको जेल में बंद किया है, उन्हीं का जो कांग्रेस वाले हैं जो उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सोचते हैं कि अशांति फैला हुआ है, उनको तो कभी बिहार में कुछ भेज दो, किस बंगाल में भेज दो, ऐसे उनको जेल में भेजना चाहिए, और उनको बिल्कुल मतलब पनपने नहीं देना चाहिए, उनको पहले बिल्कुल। आप मानते हो कि देश में अशांति है? जी नहीं, अशांति नहीं, पहले से बहुत फर्क आया है, बहुत फर्क आया है। क्या लगता है कि BJP की सरकार यानी मोदी की वापसी की उम्मीद ज्यादा है? जी। आप लोग तमाम बात कर रहे थे, सबने मिक्स रिएक्शन दिया, सबका ये कहना है कि किसानों के लिए एक मौका मोदी को मिलना चाहिए, जिससे और बहुत जो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, बाकी दल भी रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को तुलना करना होगा। अभी आपने जैसे पेंशन की बात, कुछ लोग कह रहे हैं देश में अशांति, अशांति तो है ही सर, अशांति तो है, किस तरह की
हर तरह की अशांति, हर साइड से देखिए हमारे फोर्थ साइड में भी अशांति है। इन्होंने कुछ नहीं किया, देखिए कर्मचारियों के लिए तो कुछ करते नहीं, बीजेपी कभी नहीं किया, नहीं आज भी नहीं किया है। आपने किसान सबसे पहले बर्बाद है, एक गाय बछड़े सब करके भाई, अगर वो स्लॉटर हाउस को अवैध स्लॉटर हाउस में जो जाके गाय बछड़े कट जाते थे, जो आप आज को आपको दिख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी समस्या है, वो इसलिए नहीं थे कि इसके पहले वाली सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद नहीं किया था। ये सारे गाय बछड़े वहाँ कट जाते थे जो दिखते नहीं थे, जो नुकसान या जो गाय बछड़े या बछड़ा खास करके जो घूम रहे हैं सांड छुट्टा आवारा पशु, उसका कारण तो यही है। तो फायदा क्या उनसे हमको सर? एक तो यानी स्लॉटर हाउस चालू हो जाना चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए, इनको ना कोई खरीद नहीं करेंगे। आप नाड़ा नहीं बांधेंगे और पैजामा सिला लेंगे, इसका मतलब क्या है? तो पैजामा तो नाड़ा बांधने से मतलब नहीं समझा, आपका उदाहरण क्या हुआ इस नाड़े का मतलब ये है जो कमरबंद होता है पहले स्लॉटर हाउस बनवाइए, उसके बाद उनको बंद करिए जानवरों को। ये एक बड़ा मुद्दा है, हमारा पशु पैजामे में सिल गया, नाड़ा नहीं है। पशु किसके हैं हैं भाई? पशु किसके? पशु हमारे आपके, पशु जिसने पैदा किया, जिसने उसका रख रखाव किया, उसकी लायबिलिटी बनती हो करे। एक मिनट, थोड़ी बांध के खिलाएगा? होता था बछड़ा पहले जोतने के काम में आता था, अब वो बंद हो गया, ट्रैक्टर ने ले लिया, अब वो बछड़े क्या करेंगे? ना कोई खरीदता है ना पालता है, तो वो बछड़े को क्या करेंगे? उसके लिए मेरी शुरुआत हुई थी कि 5 सालों में जितनी बातें मोदी ने कही थी 14 में वो पूरी हुई नहीं हुई। 2019 का चुनाव है, एक तरफ तमाम आरोप मोदी पे लगे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सबके लिए किया, एक मौका और मिलना चाहिए, एक तरफ गठबंधन और कांग्रेस खड़ी है कि मोदी को नहीं आना चाहिए, देश में अशांति है, किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो क्या मानते हैं आप कि ये सारी बात सही है? एकदम सही नहीं है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है देश के लिए, और हम तो यही चाहेंगे कि 2019 में उन्हीं की सरकार बने, कुछ अच्छा देश के लिए करेंगे। रही बात जानवरों की, तो जानवर जो हैं वो किसानों के ही हैं, किसान ने छोड़े तो जानवर खेतों में कहाँ से जाएंगे, किसी दूसरे के नहीं। अब कुछ लोग हों, इनका मानना है कि अवैध बूचड़खाने चालू हो जाने चाहिए जिससे वो न दिखाई दे, तो यही जो बूचड़खाने चलाने के, बूचड़खाने के लिए नहीं बोला, तो जो दिख आवारा पशु जो नहीं दिख रहे थे, या जो सुनिए जो पालतू पशु भी थे, अगर वो लोग चारागाह में उनको चरने के लिए अगर छोड़ते थे तो उनको ले जाके अवैध बूचड़खानों में काट दिया जाता था, ऐसी रिपोर्ट बार बार आती। नहीं सही बात है ना कि भाई हमारे पशु को, एक सवाल है मेरा जो एक मिनट भाई साहब, एक सेकंड, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उनकी पेंशन नहीं खत्म होती, कर्मचारियों की पेंशन क्यों खत्म कर दी गई? ये आपकी बात जेन्युइन है कि कर्मचारियों की पेंशन है, ये तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार इसको नहीं खत्म कर देते वो, अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म कर देते? पार्लियामेंट के मेंबर हैं और इसमें विधानसभा के मेंबर हैं, इनकी पेंशन बनी रहेगी, 5 साल के लिए हो गए, लॉन्ग लाइफ इनकी पेंशन बनी रही, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन क्यों इन्होंने खत्म कर दिया? बात ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। 60 लाख पेंशन भोगी हैं, 60 लाख उनका पैसा नहीं मिला, 2500-3000 रुपए वाले हैं 60 लाख। तो क्या वो, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, याचिका दायर हुई है, मगर ये नहीं सुन रहे हैं, तो क्या 60 लाख उनको वोट डालेंगे? उसमें से एक मैं भी हूँ। बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है, देखिए कि रोजगार को लेके, पेंशन को लेके बात, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि ये किसान के जानवर हैं, पहले चरागाह होते थे हमारे गांव में, हम ग्राम क्षेत्र से हैं तो वहाँ पे चरागाह होते, अभी चरागाह बड़े बड़े लोगों ने जोत खोद के उसको ये कर लिया, उसको आप क्यों नहीं छुड़वाते जो चरागाहों में चरते रहे जानवर? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये बात तो है कि कुछ कमियाँ हैं, तो जो जगह जगह गौशाला खोली जाए, जो तो खोली गई है हर जिले को पूरी धनराशि खा जा रहे हैं, सब खा जा रहे हैं। वो भ्रष्टाचार, कर्मचारियों के मिली भगत, काम न करना, पैसा खा जाना, इस पे तो सरकार को नीचे नजर रखनी होगी। लेकिन ओवरऑल जो बड़े मुद्दे हैं जिन पे चुनाव होंगे, उसमें एक बेरोजगारी भी है, पेंशन भी है, आपके किसानों से जुड़े मुद्दे भी हैं, चारागाह होना चाहिए, आवारा पशु नहीं होने चाहिए, फसलों को नुकसान, तमाम बातें हैं। लेकिन कुछ चीज़ तो सकारात्मक हुई है जिसका असर 5 साल में दिख रहा है या दिखेगा। हाँ देखिए, हम यहाँ नहीं रहते थे, हम पंजाब रहते थे, वहाँ पर किसानों को सब्सिडी मिली हुई है, किसानों को बिजली फ्री है, आप पता कर लीजिए क्या यहाँ पर है सब्सिडी, जबकि किसान ही कमाता है, खाते हैं दूसरे, यहाँ हम खड़े हैं ये सब किसके खाते हैं? किसान खाते हैं। किसानों को सब्सिडी मिले खाद पर, पानी पर, बिजली की सब्सिडी मिले,
क्योंकि किसान खुशहाल है तो सब खुशहाल है। आप यंग हैं, आप नए हैं, पहले वोट डाल चुके होंगे आप, क्या लगता है इस बार भी वोट डालेंगे? अभी तो नहीं, वोट डालेंगे क्या होगा, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, किसकी होगी सरकार? तो सर मोदी की आएगी। मोदी ने क्या अच्छा कर दिया? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया तो बहुत सर बहुत कुछ किया है, और हमारे यूपी में थोड़ा सा होगा दिक्कत, गठबंधन जो हुआ है, लेकिन गठबंधन काम नहीं करेगा उतना ज़्यादा, क्योंकि सारे मतलब जब सारे लोग एक हो जाएं, सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, तो कुछ तो बात है, तो जनता भी इस बात के बारे में सोचती है, जनता भी इस बारे में सोचती है कि काहे सारे लोग एक हुए, तो जनता भी सोच के उसी हिसाब से वोट देगी। और प्लस गठबंधन के बाद भी उम्मीद है कि बीजेपी अच्छा करे। जी जी, गठबंधन बिल्कुल सर, सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनेगी, और हमारे कहने का जो मतलब है कि लोग नाराज, कर्मचारी वर्ग नाराज इसलिए हो रहा है कि उनको टाइमली टाइम से ड्यूटी पे आना होता है। वैसे अपना डॉक्टर लोग थे 11 बजे 12 बजे आते थे, इसमें डॉक्टर हो या मास्टर हो, कोई भी कर्मचारी हो, वो अपना टाइमली समय से ड्यूटी पे जाता है। हम लोगों के गाँव में प्राइमरी स्कूल है, 7:30 बजे का टाइम है तो 7 बजे ही टीचर आ जाते हैं, अच्छे से पढ़ाई रहा है, सुधार हुआ है सर। लाइट की व्यवस्था सर अभी हमारे इधर है, जो लाइट हम इंतजार करते थे, चाहे सपा का हुआ चाहे बसपा का हुआ, कि 7 घंटे दिन में 7 घंटे रात में, 12 घंटे दिन में 12 घंटे रात में, अब ऐसा कोई कुछ नहीं है, 18 घंटा 20 घंटा 17 घंटा लाइट मिलती है। मानते हो कि सुधार हुआ है, खासकर कि जब से बीजेपी की सरकार हुई? हाँ, सरकार तो कुछ कम हुआ है भ्रष्टाचार, लाइट भी व्यवस्था सही हुआ है, और 12 घंटा 14 घंटा ना छोड़ के हम। सवाल बड़ा इस समय बहुत जोरों से चल रहा है, बहुत प्रचलित हो गया एक तरह से, कहें कि वो एक जैसे कोई गाना बहुत फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, उसी तरह से चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है तो एक मुद्दा बना लिए इन्होंने कि कुछ तो मुद्दा बना के कहा जाए, अदर कुछ मिलेगा नहीं। चौकीदार इस बार चलेगा या चोर चलेगा? नहीं, चौकीदार तो चलेगा सर, चौकीदार चलेगा सर। और चौकीदार एक मुद्दा जो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा मोदी जी ने बना लिया है, इससे इनको काफ़ी फायदा होगा। अब सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जनता में भी चौकीदार बन रहे हैं, बोल रहे हैं हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं। चौकीदार इसलिए बन रहे हैं सर कि मान लीजिए कि बड़े बड़े हो जो लोग हैं, चाहे कोई भी हो, चौकीदार के भरोसे पूरे घर छोड़ देते हैं, तो चौकीदार का, चौकीदार चोर है, चौकीदार कहना भी उनके लिए आज कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा बन गया। अब चौकीदार सारे लोग बनने लगे तो अब तो नहीं कहीं कौन है चौकीदार चोर है ऐसा, तो इसका प्रभाव पड़ेगा चौकीदार का। ये जो लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई है उस पर तमाम लोगों की राय थी, तो चुनावी चकलस में लखनऊ रेलवे स्टेशन से मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। आगे फिर चुनावी चकलस में एक नए मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।